मामा जी आए थे, दुकान पे बैठे थे। उनकी मामी जी जो है ना वो एसी है, कुछ ना कुछ कर रही होगा, इसलिए दुकान बंद हो गई। क्या करा था, बाद में एक नींबू मिला था हमारी दुकान में से, फिर बस वो दुकान में नींबू मिला, उस दिन से हमारी दुकान चलना बंद हो गई। अरे तुम्हारी दुकान पे नींबू डाला, कहीं का आ जाए और हमारे यहाँ लाके डाल के जाए कि हम एक नींबू पटक के आए तो हम दरवाजे पे लिख दें कम से कम एक साथ 12 नींबू पटको हम अचार डालेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? किसी के करने से कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। अगर किसी के करने से बुरा होता तो सबसे पहले लोग मोदी के पीछे पड़े रहते और उसका बुरा कर देते। किसी के बुरा करने से अगर बुरा होता तो वो टाटा बिरला, वो अंबानी जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर छूमंतर करने वाला होता, टोना टोटका करने वाला होता तो सबसे पहले इनको ही निपटाता। पर ये तो चकाचक रह रहे हैं। तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं और बुरा तुम्हारा ही करेगा। ऐसे ऐसे भेरू पैदा हो गए। ऐसे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शंकर भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में कंकर में शंकर है, एक एक भूमि के कण कण में शिव समाया है। जब स्वयं शंकर कंकर में बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। तुम तो बेहतरीन, अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे ना तो चेहरे पे स्माइल रखो, खजूर वाली चोटी करके खूब जूड़ा बांध के चकाचक चल चल। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग तुरंत तुमको पगला बनाने में नंबर बन बैठे रहेंगे। न नारियल ने दाना लेके अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे और घूमता घूमता व्यक्ति यूं बोलेगा तेरे ही घर का। और जैसे ही तुम उसके उसने एक ही बार